हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 201 से लेके 250 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। और ये जो है ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पांचवा वीडियो है, और इससे पहले मैंने चार वीडियो डाल दिए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और उन चार वीडियो में मैंने अभी तक 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किया है, और इस वीडियो में हम 201 से लेके 250 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और 201 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कंप्लीट एंड फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो स्थापित अगर कोई सरकार है और वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको पूरी तरह फोर्स से हटा देना, तो उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। और हिंदी में इसे बोलते हैं हम क्रांति या आमूल परिवर्तन। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन सुना होगा, फ्रांस की क्रांति। उसमें क्या हुआ था कि वहाँ का जो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट था, यानी कि जो स्थापित सरकार थी, उसे हटा दिया गया था टोटली लोगों के द्वारा क्रांति करके। तो इस तरह से कनेक्ट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंप्लीट चेंज इन अपियरेंस और कैरेक्टर स्पेशली इन ए मैजिकल और सरप्राइजिंग वे। यानी कि आपके रूप में या आपके स्वभाव में या चरित्र में पूरा परिवर्तन होना। लेकिन वो जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, वो या तो वो जादुई होगा या आश्चर्यजनक रूप से होगा, सरप्राइजिंग वे। एकाएक जो है ऐसा चेंजेज आएगा जिसको देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसमोग्रिफिकेशन, और हिंदी में इसे कायाकल्प या कायापलट कहेंगे। आपने जनरली देखा होगा कि जो मैजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज को किसी और चीज में चेंज कर देते हैं। तो ये जो है किस चीज़ से, मैजिक से करते हैं, और उसको देख के आप सरप्राइज हो जाते हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ जादुई रूप से अगर चेंज हो जाती है तो उसे हम ट्रांसमोग्रिफिकेशन कहते हैं। अगला हम देखते हैं कंप्लीट चेंज इन अपियरेंस और कैरेक्टर स्पेशली नेचुरल। इसका मतलब ये हुआ कि रूप या स्वभाव या चरित्र में पूरा परिवर्तन होना, लेकिन वो कैसा होगा, इस बार नेचुरल होगा, यानी कि प्राकृतिक होगा। तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, और हिंदी में इसे बोलेंगे कायांतरण या रूपांतरण। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, एक जो है वो लार्वा में चेंज हो गया, लार्वा जो है ये प्यूपा में चेंज हो गया, और प्यूपा लास्ट में बटरफ्लाई में चेंज हो गया। तो ये क्या हो रहा है, इसके अपियरेंस में चेंज हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये नेचुरल प्राकृतिक तरह से ये चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो इसे कनेक्ट करके इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम कंप्लीट चेंज इन समथिंग, मतलब कि किसी चीज में पूर्ण परिवर्तन होना, तो इसको हम बोलते हैं वोल्टे फेस, और हिंदी में इसे पलट या आकस्मिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, लेकिन आप गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया, यानी कांग्रेस और बीजेपी को वहाँ बिल्कुल बुरी तरह से हरा दिया। तो पंजाब में जो गवर्नमेंट हुआ उसका क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया, तो पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह चेंज हो गई। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कंप्लीट फेलवर। कंप्लीट फेलवर का मतलब होता है फियास्को, और हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण असफलता या बंटा धार। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये भाई साहब जो है वो टोटली फेल हो चुके हैं, इनका बंटा धार हो चुका है, तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ स्टेज डांस। इसका मतलब होता है मंच जो नृत्य होता है मंच पे उसकी रचना करना, तो उसे हम बोलते हैं कोरियोग्राफी, और हिंदी में इसे नृत्य रचना कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा डांस शो में अलग अलग ग्रुप आता है, अलग अलग तरह से वो डांस करते हैं, तो जो ये अलग अलग तरह से डांस करते हैं उसी को हम कोरियोग्राफी कहते हैं, और जो इसको करता है उसे कोरियोग्राफर कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, यानी जब सभी प्रकार की चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ओमनी जेनस कहा जाता है। ओमनी का मतलब होता है सभी, तो ओमनी जेनस मतलब सभी प्रकार का मिला हुआ, तो हिंदी में इसे बोलते हैं सब प्रकार का। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के ड्रेसेज हैं, जैसे कि ये विंटर का है, समर का है, ये जो है वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस है, तो इस पिक्चर में सभी प्रकार के ड्रेस जो है वो दिखाए गए हैं, तो इसे हम बोलेंगे ओमनी जेनस। तो इस तरह से कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंपलसरी इन्वेस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विस। कंपलसरी है कि आपको किसी सर्विस में या मिलिट्री सर्विस में काम करना ही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, और हिंदी में इसे अनिवार्य सैनिक सेवा कहा जाता है। जैसे कुछ कंट्री में ऐसा रूल है कि वहाँ पे जो भी
लड़का जन्म लेगा उसे मिलिट्री सर्विस करनी ही है, तो यानी वहाँ पे कंपलसरी है, अनिवार्य सैनिक सेवा है। जैसे कि कोरिया में ये है कॉन्स्क्रिप्शन, वहाँ पे अनिवार्य सैनिक सेवा आपको करनी ही है। अगला हम देखते हैं कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच। किसी भी भाषण का जो अंतिम भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे पेरोरासन कहते हैं, ठीक, और हिंदी में इसे उपसंहार कहा जाता है। ये पिक्चर में देखिए, ये बराक ओबामा है और ये स्पीच दे रहे हैं, अब ये अपने स्पीच को कंक्लूड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो इसे हम पेरोरासन कहेंगे, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंडीशन कॉज्ड बाई इनसफिशियंट फीडिंग और नॉरिशिंग। अगर प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है या पालन पोषण प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से जो कमी आई है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं और हिंदी में इसे कुपोषण कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बच्चा जो है वो क्या है, कुपोषित बच्चा है, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंडीशन कनेक्टेड विथ ए पर्सन और इवेंट। कोई भी ऐसा कंडीशन जो किसी व्यक्ति के साथ या किसी घटना के साथ कनेक्टेड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सरकमस्टांस, और हिंदी में इसे परिस्थिति बोलते हैं या घटना बोलते हैं। आपने जनरली सुना होगा अंडर विच सरकमस्टांस, यानी किस परिस्थिति में, तो एग्जाम्पल से समझिए, सरकमस्टांस अंडर विच ए डायरेक्टर बिकम डिस्क्वालिफाइड। कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके तहत डायरेक्टर को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, तो सरकमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति या घटना, तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंड्यूसिव टू बॉडली हेल्थ एंड फेवरेबल टू हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें अनुकूल होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम होलसम कहते हैं, और हिंदी में इसे स्वास्थ्यप्रद या स्वास्थ्योपयोगी कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, होलसम फूड है, ये स्वास्थ्यप्रद खाना है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन ए सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा सम्मेलन जो इसलिए हुआ है कि किसी विषय पर विचार विमर्श किया जा सके या चर्चा किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्फ्रेंस को सिंपोजियम बोलते हैं, और हिंदी में इसे विचार गोष्ठी कहा जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें कुछ सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कॉन्फर्ड एज एन ऑनर और परफॉर्म्ड विदाउट पे, मतलब सम्मान में कोई चीज देना किसी को या बिना वेतन या भुगतान का किया गया, तो उसे हम बोलते हैं ऑनररी, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं सम्माननीय और अवैतनिक। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, ये ग्रुप कैप्टन रैंक जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है सचिन तेंदुलकर को, तो ये जो है ऑनररी रैंक दिया गया है, यानी सम्मानित इसे किया गया है सचिन तेंदुलकर को, ना कि इसके लिए इन्हें पैसा दिया जाता है, पेमेंट इनको नहीं मिलता है, ठीक, तो इस तरह से कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कन्फ्यूज्ड एंड डिसऑर्डरली, यानी कि अव्यवस्थित या अनियमित रूप से होना, तो इसे हम बोलेंगे प्रोमिस्कस, और हिंदी में इसे बोलेंगे अविवेकी, कर्महीन या बेतरतीब। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एवरीथिंग यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज और डिसऑर्डरली है, यानी अव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है, लेकिन ये मोहतरमा को कोई टेंशन नहीं है, ठीक, तो अगर अव्यवस्थित चीज़ें हैं तो उसे ही हम प्रोमिस्कस कहते हैं, तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कन्फ्यूज स्ट्रगल और फाइट, यानी धक्का मुक्की करना, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रीमेज, और हिंदी में इसे हाथापाई या धक्का मुक्की कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, स्क्रीमेज हो रहा है, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कॉन्स्टेंट इफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब लगातार कोशिश करना किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं परसिवरेंस, और हिंदी में इसे लगन बोलते हैं या अध्यवसाय बोलते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं परसिवरेंस का एग्जाम्पल, ये क्या है, लगा हुआ है, ठीक, कंटिन्यू ये जो है वो कोशिश कर रहा है, और एक दिन ये क्या होगा, जाके सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कंटेम्पटुअस टॉक अबाउट सेकर्ड थिंग और गॉड, यानी कोई भी पवित्र चीज या भगवान के बारे में निंदनीय बात करना, कंटेम्पटुअस टॉक का मतलब होता है निंदनीय बात करना, तो इसे हम बोलते हैं ब्लास्फेमी, और हिंदी में धर्म निंदा, गंदी और अपवित्र बातें इसे कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है बिहेड दोज हु इंसल्ट इस्लाम, यानी उनकी गर्दन काट दो जो इस्लाम को इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट करने का मतलब जो ब्लास्फेमी करते हैं।
और ब्लास्फेमी के लिए काफ़ी कड़ी सजा है कहाँ पे, पाकिस्तान में। अगला हम देखते हैं कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि कानून के विपरीत, तो इसे हम बोलते हैं इलीगल, और हिंदी में इसे गैर कानूनी कहा जाता है या अवैध कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसने जो है वो ब्राइब लिया है, घूस लिया है, और ये क्या है, ये इलीगल होता है, किसी से घूस लेना क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट, यानी किसी कला की कॉपी करना या उसे दोबारा बनाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिका, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं प्रतिकृति या प्रतिरूप। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये ओरिजिनल मोनालिसा की जो है वो पिक्चर है, और ये रेप्लिका है, ठीक, इसको देख के ये बनाया गया है, तो इसका ये क्या है, कॉपी है, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा कि इसी को हम रेप्लिका कहते हैं। अगला हम देखते हैं कंट्री रूल्ड बाई ए किंग और क्यून, कोई भी ऐसा कंट्री जो किसी राजा या रानी के द्वारा रूल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम किंगडम बोलते हैं, और हिंदी में इसे राज्य या बादशाहत कहा जाता है। जैसे कि इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। किंगडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है, वहाँ का राजा होता है, तो इसीलिए इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंट्री रूल्ड बाय अनदर कंट्री, कोई भी ऐसा कंट्री जहाँ पे दूसरा कंट्री आके शासन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी, और हिंदी में इसे पराश्रित देश या परतंत्र देश कहा जाता है। जैसे कि इंडिया जो है पहले ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो हम पहले परतंत्र थे, लेकिन अभी हम क्या हैं, अभी हम स्वतंत्र हैं, ठीक, हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जब इंग्लैंड हम पे शासन करता था तो उस समय हम डिपेंडेंसी थे, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्टेट, ऐसा कंट्री जिसे कोई मजबूत देश प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रोटेक्टोरेट, और हिंदी में संरक्षित राज्य उसे हम बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपने नाटो सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, जितने भी देश हैं उस पर अगर किसी पे भी हमला होता है तो अमेरिका क्या बोलता है कि वो ये माना जाएगा कि ये हमला मेरे ऊपर है, ठीक, तो इसमें काफ़ी छोटे छोटे देश भी हैं जिसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, यूएसए प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक, तो वो क्या है, प्रोटेक्टोरेट देश हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कोर्स ऑफ स्टडी इन ए स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा, कॉलेज और स्कूल में जो कोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्यूरिकुलम, और हिंदी में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कवरिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कोई भी अगर घटना हुई है उसका प्रसारण कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कवरेज बोलते हैं, और हिंदी में इसे स्थान, विज्ञापन क्षेत्र, समाचारों का प्रशासन कहा जाता है। आपने जनरली ये वर्ड सुना होगा, मीडिया कवरेज। कोई भी अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं कहीं भाषण देने, तो मीडिया कवरेज करती है, यानी उस इवेंट को जो है कवर करती है मीडिया, तो इसीलिए इसे मीडिया कवरेज कहा जाता है, तो इस तरह से कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं क्रेज ऑफ फ्लावर, फ्लावर का क्रेज होना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंथोमैनिया कहते हैं, और हिंदी में इसे पुष्पोन्माद या पुष्प व्यसन कहा जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मैडम को क्या है, एंथोमैनिया है, फूलों का जो है क्रेज है इनको। अगला हम देखते हैं क्रश अंडर द फीट, पैर से कुचल देना, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैम्पल, और हिंदी में इसे रौंदना या कुचलना कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हाथी जो है ये इसको ट्रैम्पल कर दिया है, यानी कुचल दिया है। अगला हम देखते हैं क्राई आउट इन श्रिल वॉइस, बहुत ही जोर से चिल्लाना या चीखना, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रीच, और हिंदी में इसे चीखना कहा जाता है या चित्कार करना कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, स्क्रीच कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगला हम देखते हैं कर्ड च्यूइंग एनिमल, इसका मतलब होता है जो पागुर करने वाला जानवर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे रूमिनेंट कहा जाता है, और हिंदी में इसे रोमथक या पागुर करने वाला जानवर कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे पगुराए, तो ये जो पगुराए है, ये जो करता है जानवर, उसी को हम रूमिनेंट कहते हैं, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। काऊ भी क्या है, वो भी रूमिनेंट है, वो भी पागुर करता रहता है। अगला हम देखते हैं क्योर फॉर ऑल डिसीज, यानी कि सभी रोगों का निदान, तो इसे क्या बोलते हैं, पैनसिया बोलते हैं, और हिंदी में सर्व रोग हर
सर्वरोग नाशक औषधि बोला जाता है इसे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? योगा। योगा करने से सारे आपके रोग जो है वो नाश हो जाते हैं। तो ये क्या है? एक तरह का पैनासिया है योगा। जैसा पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये कितनी फिट है अभी भी। क्यों? क्योंकि ये योगा करती हैं। तो अभी आज से योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला हम देखते हैं, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ऐसा कस्टम जिसमें एक बार में एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पॉलीएंड्री कहते हैं, और हिंदी में इसे बहुपति प्रथा कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक वाइफ है और इसके कितने हस्बैंड हैं? चार हस्बैंड हैं। तो ये क्या है? एक तरह का पॉलीएंड्री है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। अभी क्या था? हस्बैंड थे ज्यादा, अभी वाइफ होगी ज्यादा और एक ही हस्बैंड होगा। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीगेमी, और हिंदी में बहुपत्नीवाद या बहुविवाह प्रथा कहा जाता है। अब ये भाई साहब पांच पांच लोगों को संभाल रखे हैं, यहाँ लोगों से एक नहीं संभाल रहा है वाइफ, और ये पांच पांच संभाल रखे हैं। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड। ऐसा कस्टम जहाँ पे एक वाइफ और एक हस्बैंड हो, तो उसे हम बोलते हैं मोनोगेमी, और हिंदी में उसे एकल विवाह प्रथा कहा जाता है। जैसे कि हिंदू रिलीजन जो है, इसमें क्या है? मोनोगेमी है, हम दो शादी नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इलीगल किसे कहते हैं? कॉन्ट्रेरी टू लॉ, लॉ के अगेंस्ट अगर हम जा रहे हैं तो उस चीज को हम इलीगल कहते हैं। अगला हम देखते हैं, कस्टम एंड हैबिट ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप। किसी भी ग्रुप का अपना रीति रिवाज जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मोर्स, और हिंदी में रीति रिवाज या शिष्टाचार कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अलग अलग समूह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं शादी के, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, कट इनटू स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना, तो उसे बोला जाता है मिंस, और हिंदी में इसे कतरना या टुकड़े करना कहा जाता है। जैसे कि ये क्या है? ये मटन कीमा है। तो मटन कीमा कैसे बनता है? मटन के पीसेस को बहुत ही छोटे छोटे पीस में काट दिया जाता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो मिंस करके बनता है मटन कीमा। ठीक, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, कटिंग समथिंग इंटू टू पीसेज, कोई भी चीज को दो टुकड़ों में काट देना, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है डाइकोटोमी, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं द्विभाजन करना या द्विभाजीकरण करना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी को डिकोटोमी किया गया है, यानी कि दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ग्रेन्स, यानी कि अनाज की कटनी करना या उसे एकत्रीकरण करना, एक जगह जमा करना, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे हार्वेस्ट बोला जाता है, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं कटाई का समय या पैदावार। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं, यानी वो फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, कटिंग ऑफ आर्म लेग एक्सेट्रा बाय सर्जरी। सर्जरी से अगर किसी का आम बांह या कोई पैर काट दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्यूटेशन, और हिंदी में इसे बोला जाता है विच्छेदन या अंगोच्छेदन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है मिलिट्री सर्विस में भाई साहब हैं, इनको गोली लग गई थी वार के समय, तो इनके पैर में जहर फैल रहा था, तो इसे एम्प्यूटेशन कर दिया गया, यानी कि काट के सर्जरी से अलग कर दिया गया। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं, डैमेज बाय ब्रेकिंग और कटिंग ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी भी पार्ट को मार के तोड़ देना या काट देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटिलेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे विकृति कहते हैं, अंग भंग या विकलांगता कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ वार चल रहा है जिसके कारण ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं उनके बॉडी पार्ट्स को, तो इसे हम बोलते हैं म्यूटिलेट करना। अगला हम देखते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोमिसेज पुट फॉरवर्ड बाई ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। चुनाव से पहले जो कोई कैंडिडेट होता है, वो अपना वायदा या घोषणा पत्र एक जारी करता है कि मैं जब इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, तो वो उसका घोषणा पत्र होता है, तो उसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टो, और हिंदी में इसे नीति घोषणा या घोषणा पत्र कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बीजेपी का घोषणा पत्र था पिछले इलेक्शन का, तो इसमें इन्होंने ये मेंशन किया था कि जब हम सरकार में वापिस आएंगे तो हम क्या क्या काम करेंगे। अगला हम देखते हैं, डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू। सुनिश्चित रूप से घोषणा करना कि कोई भी चीज जो है वो सत्य है, तो
तो उसे हम क्या बोलते हैं, अफर्म, और हिंदी में इसे पुष्टि करना कहते हैं या अभिवचन करना कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ही अफर्म्ड द कंट्रीज कमिटमेंट टू पीस। ये जो भाई साहब हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने कन्फर्म किया था इंडिया को कि हम जो हैं अब पीस माने शांति बनाए रखेंगे अपने देश में, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन इनका जो एफर्मेशन था, इनका जो दावा था, वो क्या था, टोटली गलत था। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि अफर्म मतलब क्या होता है, पुष्टि करना या दावा करना कि ये चीज़ जो है जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। अगला हम देखते हैं डीप एंड थोरो। किसी भी चीज़ का अगर आपको गहरा नॉलेज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव, और हिंदी में इसे गहन या विस्तृत कहा जाता है। इंटेंसिव नॉलेज आपने सुना होगा, यानी कि गहरा नॉलेज है आपको किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, भाई साहब का दिमाग है जिसमें सभी चीज़ें हैं, ठीक, तो इनको पूरा गहरा नॉलेज है उस चीज़ का, इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिलीवर ए सरमोन, यानी कि उपदेश देना, इसे हम बोलते हैं प्रीच, और हिंदी में धर्मोपदेश देना इसे कहा जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, गौतम बुद्धा हैं और इन्होंने जो है अपना पहला सरमोन जो है कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मेक नोन ए रिलीजियस और मोरल डॉक्ट्रिन, यानी कि किसी धार्मिक या नैतिक सिद्धांत की जानकारी देना किसी को, तो इसे भी जो है हम प्रीच ही कहते हैं, ठीक, और हिंदी में इसे धर्मोपदेश देना कहा जाता है। जैसे कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिया था, धर्मोपदेश दिया था, किसका, गीता का उपदेश दिया था, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं डिमांड एज वंस ओन राइट, यानी कि अपने अधिकार के रूप में मांगना, या आप कह सकते हैं दावा करना या अधिकार जताना किसी पे, तो इसे हम बोलेंगे क्लेम करना, और हिंदी में दावा करना या अधिकार जताना ही इसे कहते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए, क्लेम्स टू हैव गर्लफ्रेंड स्टिल पिक्चर ऑफ रैंडम ऑन फेसबुक टू शो फ्रेंड। इस भाई साहब ने क्या किया है कि फेसबुक से एक लड़की का फोटो निकाला है और उसको ये दावा कर रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और भाई साहब का बाद में मस्त कुटाई हुआ है, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा और ऐसा क्लेम आप कभी मत कीजिएगा। अगला हम देखते हैं डिनाई नॉलेज ऑफ, किसी भी चीज़ की जानकारी से इनकार कर देना, तो उसे हम बोलते हैं डिसअवो, और हिंदी में इसे इनकार करना कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो छोटा लड़का है इसने बॉल मार के घर का शीशा तोड़ दिया है। जब इसकी माँ पूछ रही है कि बेटा ये शीशा कैसे टूटा, तो ये बोल रहा है मम्मी मुझे नहीं पता है कि ये कैसे टूटा है। तो इसने क्या किया, इसको नॉलेज था कि शीशा कैसे टूटा है लेकिन इसने डिनाई कर दिया, तो इसे हम डिसा वो कहेंगे, इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिजाइन टू फॉरबिड समथिंग। किसी भी चीज़ की मनाही हेतु अगर कोई चीज़ बनाया गया है तो उसे हम बोलते हैं प्रोहिबिटरी, और हिंदी में इसे निदेशक या निषेधात्मक कहा जाता है। जैसे कि ये जो साइन है ये किस लिए बनाया गया है कि आप यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कीजिए, इसका मतलब होता है कि स्मोकिंग आपको यहाँ पे नहीं करना है, तो ये इसलिए बनाया गया है, तो ये क्या है, प्रोहिबिटरी है स्मोकिंग के लिए, इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिजायर फॉर नॉलेज और ईगरनेस टू नो समथिंग। किसी चीज को जानने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्यूरियोसिटी बोलते हैं, और हिंदी में इसे जिज्ञासा कहा जाता है। जैसे इस मैडम को हर एक चीज को जानने की जिज्ञासा है, छोटे बच्चे को हर एक चीज की जानने की जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिजायर टू हार्म अदर, ऐसी इच्छा जो आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेलाइस, और हिंदी में इसे द्वेष, दुर्भावना, विद्वेष, ये सब कहा जाता है। जैसे भाई साहब को देखिए, इनका जो इच्छा है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही है, बम लेके फेंकने जा रहे हैं कहीं, इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डिटेल लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड फर्नीचर एक्सेट्रा, घर की सामान या कोई फर्नीचर उसका एक डिटेल्ड लिस्ट की मेरे घर में ये चीज़ें हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे इन्वेंट्री हम बोलते हैं, और हिंदी में इसे वस्तु सूची, सूची पत्र या तालिका कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बोलेगा कि आप ये घर थोड़े दिन रहिए इसमें, तो मैं क्या करूँगा कि पहले इन्वेंट्री काउंट कर लूँगा कि भैया यहाँ 3 चेयर थे, 1 शीशे का ग्लास था, 2 लैंप थे, ताकि बाद में अगर वो आके क्लेम करता है कि यहाँ पे तो 4 चेयर थे, तो मैं उस समय इन्वेंट्री दिखाऊंगा उसको कि भैया जब आपने मुझे रूम दिया था तो इसमें 3 ही चेयर थे। तो इस तरह से इन्वेंट्री को कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं।
तो इस वीडियो में हमने 201 से लेके 250 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए, और आपको पता है कि ये मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बुक है जो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया, उससे करवा रहा हूँ। और ये जो है मैं 50-50 करके करा रहा हूँ ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, और धीरे धीरे हम इस बुक को ऐसे ख़त्म कर लेंगे। और बाद में मैं सारे वीडियोज़ को कंबाइन करके एक वीडियो डाल दूंगा, और जितने भी PDF मैं बना रहा हूँ वो सब मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।